राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों के बैनर लगाए जाने के बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा नेता आईपी सिंह के द्वारा बैनर लगाए जाने के बाद उपजा विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बैनर लगा दिया। बैनर पर दोनों के खिलाफ पूर्व में दर्ज मुकदमों का जिक्र किया गया है। खास बात यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर विवादित बैनर लगा दिया गया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सोशल मीडिया पर बैनर वायरल होने के बाद पुलिस ने शनिवार को आनन-फानन में एफआईआर दर्ज की है। पोस्टर लगाने का आरोप कांग्रेस नेता सुधांशु वाजपेयी और कल्लू कनौजिया पर लगाया गया है। इन पोस्टर्स में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ भाजपा के कई नेताओं पर दर्ज मुकदमों का जिक्र था। पोस्टर में संगीत सोम, संजीव बालियान, साध्वी प्राची, राधामोहन दास अग्रवाल आदि की फोटो भी लगाई गई थी। इन पोस्टरों को न सिर्फ भाजपा कार्यालय के गेट पर बल्कि सरकारी पोस्टरों के ऊपर भी चस्पा दिया गया था। इन पोस्टर पर लिखा गया कि इन दंगाइयों से वसूली कब होगी। लेकिन सबसे खास बात है कि इन स्थानों पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। बावजूद इसके पुलिस कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। पुलिस आयुक्त ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस पता लगा रही है कि किस प्रिंटिंग प्रेस से ये बैनर छपवाए गए हैं। चौकी इंचार्ज सचिवालय की ओर से इस मामले में सुधांशु वाजपेयी और लालू कनौजिया समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस बैनर छापने वाले और इसे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों की पहचान की है जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। बता दें कि लखनऊ में 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के प्रोटेस्ट के दौरान जमकर बवाल हुआ था। इसके बाद सरकार ने हिंसा के आरोप में दर्जनों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। वहीं 57 लोगों को नोटिस भेजकर निजी और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही इन सभी 57 लोगों की तस्वीरों वाला पोस्टर शहर में जगह जगह लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस ने लगवाए थे। इसके बाद यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वहीं कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी इसका घोर विरोध किया था।